हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं शाही पनीर की बहुत ही शानदार और लाजवाब रेसिपी। आप इस रेसिपी को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर। इसके अलावा आप पनीर का इस्तेमाल करेंगे, मलाई चाहिए होगी और मक्खन का भी इस्तेमाल करेंगे। हमें शाही पनीर में बादाम और काजू और लौंग, इलायची और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। मसालों में हम इसमें कसूरी मेथी, लाल मिर्च और थोड़े से नमक का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं और इसमें प्याज, टमाटर और बाकी सब चीज़ें डाल के मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। हमने इसमें प्याज डाल दिया है, अब हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन भी डाल दिया है हमने, हरी मिर्च, थोड़ी सी इलायची, लौंग, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल रहे हैं। गार्लिक पेस्ट हमने डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। मक्खन डालने से इसका प्यूरी का जो टेस्ट बनेगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डाल देंगे। और आखिर में हम इसमें एक गिलास पानी डाल रहे हैं। अब हम इसे 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसे 20 मिनट तक हल्की आंच पे पका लिया है, तो आइए चेक करते हैं हमारा मसाला अच्छे से पका है कि नहीं। मसाला अच्छे से पकना चाहिए क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है और इसकी प्यूरी तैयार करनी है। हमने अपने मसाले का मिक्सचर तैयार कर लिया, इसे ग्राइंड कर लिया हमने, तो अब हम इसे छानेंगे। तो हमने मसाले को छान के इसकी प्यूरी अलग कर ली है। देखिए प्यूरी कितनी अच्छी बनी है फ्रेंड्स। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे क्योंकि हमें पनीर को इसमें हल्का सा फ्राई करना है। शाही पनीर में बटर का इस्तेमाल करने से शाही पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
हमने पनीर को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। नमक को पनीर के साथ अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेते हैं। हमने जो पनीर तैयार की थी हमने पनीर में डाल दी है। पूरी और पनीर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। हमने इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दी है। मलाई को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्की सी हम इसमें चीनी भी ऐड करेंगे। चीनी ऑप्शनल है, अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप इसे नहीं भी डाल सकते। पर चीनी डालने से शाही पनीर का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अब हमारा शाही पनीर तकरीबन तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा शाही पनीर पक्कर तैयार हो चुका है और ये देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, खाने में भी ये लाजवाब होगा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और हमारी बताई हुई रेसिपीज को प्लीज ट्राई जरूर करें।